हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 28th और 29th ऑफ मे के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो लास्ट जो हमने डिस्कस किया था वो 26th और 27th ऑफ मे के डेली करंट अफेयर्स थे, राइट? तो उसमें मैंने 26 ही लिखा था, लेकिन 26th और 27th में दो दिन के वो करंट अफेयर्स थे। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेज। तो 28th ऑफ मे को आता है वर्ल्ड हंगर डे। कौन सा डे आता है 28th को? वर्ल्ड हंगर डे। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, भूखमारी की वजह से वो मर रहे हैं। तो उन्हीं को न्यूट्रिशन की वैल्यू बताने के लिए ये जो वर्ल्ड हंगर डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल का थीम क्या है वर्ल्ड हंगर डे का? थीम है Thriving Mothers, Thriving World. Thriving Mothers, Thriving World. Next चलते हैं questions पे। First question है, Who became the youngest girl to summit Mount Everest from Nepal site? Youngest girl, जो कि Mount Everest पे चढ़ी है from the Nepal site, India की है, Nepal site से है, जो कि Mount Everest पे रिसेंटली चढ़ी है, अपने फादर के साथ गई है, राइट? तो नाम क्या है? नाम है काम्या कार्थिक्यन, काम्या कार्थिक्यन, राइट? तो यंगेस्ट गर्ल है, 16 ईयर ओल्ड है ये, 16 साल की है, 12th क्लास में पढ़ती है। तो इसके जो फादर है उनके साथ ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है। तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स की 7 हाइएस्ट पीक्स है, जिनमें से 6 हाइएस्ट पीक्स पे ये चढ़ चुकी है, राइट? तो एक हाईएस्ट पीक बची है, तो उसमें भी दिसंबर में जाने का इसका प्लान है। अगर उसमें भी चढ़ जाती है तो ये वर्ल्ड की यंगेस्ट गर्ल बन जाएगी जिसने 7 समिट्स को जो है 7 समिट्स पे चढ़ी है, राइट? तो इंडिया की जो फर्स्ट यंगेस्ट गर्ल है, इंडिया की जो यंगेस्ट गर्ल है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है, उसका नाम है मलावत पूर्णा, राइट? तो 6 समिट्स को ये पूरा कर चुकी है अभी तक। आउट ऑफ 7 6 समिट्स जो है वो कंप्लीट कर चुकी है। 7th पे चढ़ने का इसका एम है दिसंबर का, इसी साल दिसंबर में। कौन सी बची है? अंटार्कटिका की जो हाईएस्ट पीक है माउंट विंसन मासिफ, सिर्फ वो बची है। अगर उस पर भी चढ़ जाती है तो वर्ल्ड की ये यंगेस्ट गर्ल बन जाएगी जिसने 7 समिट्स को कंप्लीट किया है, राइट? तो ओल्डेस्ट की बात कर लेते हैं। ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है वो है ज्योति रेत्रे, 55 इयर्स की है, राइट? ज्योति रेत्रे 55 इयर्स की है, जो कि इंडिया की ओल्डेस्ट वुमेन है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है। गॉट इट? नेक्स्ट, रिसेंटली इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी, इन्होंने जीता है शॉ प्राइस। कौन सा जीता है? शॉ प्राइस। कौन से फील्ड में जीता है, राइट? तो ये जो श्रीनिवास आर कुलकर्णी है ये यूएस में एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर है, तो एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में ही इन्होंने शॉ प्राइस जीता है, राइट? तो जो शॉ प्राइस होता है ये 3 फील्ड में दिया जाता है। कितने फील्ड्स में दिया जाता है? 3 फील्ड्स के अंदर ये दिया जाता है। कौन से हैं? एक तो है लाइफ साइंस एंड मेडिसिन के अंदर, दूसरा एस्ट्रोनॉमी है, और तीसरा है मैथमेटिकल साइंसेस। तो ये 3 फील्ड्स के अंदर ये शॉ प्राइज जो है वो दिया जाता है। इनमें से एस्ट्रोनॉमी के लिए श्रीनिवास आर कुलकर्णी को ये अवार्ड दिया गया है। ये इंडियन ओरिजिन के हैं, यूएस में ये एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर है। तो शॉ प्राइज की जो सेरेमनी होगी ये 12th ऑफ नवम्बर को होगी हांगकॉन्ग के अंदर। तो इसमें जो शॉ प्राइस होता है इसमें $1.2 million का ये अवार्ड है जो दिया जाता है जो विनर होता है उसको। गॉट इट? नेक्स्ट, वेयर इज द सेकंड एडिशन ऑफ एआई समिट हेल्ड? एआई समिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट का जो सेकंड एडिशन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? तो सेकंड एडिशन की ये जो समिट हुई है 2024 के अंदर हुई है, 2024 में हुई है। कहाँ पे? सियोल में। सियोल जो है ये साउथ कोरिया की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? साउथ कोरिया की, राइट? साउथ कोरिया की कैपिटल है जहाँ पे एआई समिट का सेकंड एडिशन हुआ है।
अब फर्स्ट और सेकंड एडिशन कब हुआ था? फर्स्ट एडिशन हुआ था 2023 में ब्रिटेन के अंदर, सेकंड हम देख चुके हैं 2024 में सियोल में हुआ है, और थर्ड जो समिट होगी ये होगी फ्रांस के अंदर 2025 में, राइट। तो आने वाली का जो अपकमिंग है ये भी कई बार पूछ लेते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, अगर शेड्यूल आ चुका है तो पूछा जा सकता है, राइट। तो नेक्स्ट जो समिट होगी एआई की वो कहाँ पे होगी? फ्रांस के अंदर होगी 2025 में, राइट। तो इस साल की जो हुई है 22nd ऑफ मई को ये समिट हुई थी। नेक्स्ट, वेयर इज 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग? अंटार्कटिक ट्रीटी की कंसल्टेटिव मीटिंग हुई है, 46th एडिशन की ये मीटिंग हुई है। कहाँ पे हुई है? इंडिया के अंदर हुई है। इंडिया में कहाँ पे? कोची में, राइट। कोची में हुई है 46th एडिशन ऑफ अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, राइट। अब मीटिंग तो हो चुकी है, अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अंटार्कटिक ट्रीटी जो है ये 1st of December 1959 को साइन करी गई थी, राइट। कब साइन हुई थी? 1st of December 1959 को। इसके दो साल बाद 1961 में ये फोर्स में आ गई थी, राइट। इनिशियली जब ये ट्रीटी हुई थी उस टाइम पे टोटल 12 कंट्रीज थे जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया था। इंडिया कब इसका मेंबर बना था? इंडिया 1983 में इसका मेंबर बना था। कब बना था? 1983 में। तो राइट नाउ अब इसके कितने मेंबर्स है? इसके 56 मेंबर्स है। जब बनी थी तब 12 मेंबर्स थे, अब कितने हैं? अब है 56 मेंबर कंट्रीज हैं अंटार्कटिक ट्रीटी के। तो अंटार्कटिक ट्रीटी में क्या बातें बोली गई है? अंटार्कटिक ट्रीटी में बोली गई है कि जो अंटार्कटिक वाला एरिया है वो किसी भी कंट्री के अंदर नहीं आता, और ना ही कोई कंट्री अपनी आर्मी वहाँ पे लगा सकती है, ना ही कोई जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स वगैरह होते हैं वहाँ पे वैसे एक्सप्लोजन कर सकती है, राइट। इसके अलावा आप कोई भी रिसर्च वर्क वहाँ पे कर सकते हो। अंटार्कटिका के अंदर आप रिसर्च वर्क तो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कंट्री उसको अपना नहीं बोल सकती, क्योंकि जो अंटार्कटिका वाला एरिया है वो किसी भी कंट्री का नहीं है। कोई भी कंट्री वहाँ पे अपनी आर्मी नहीं लगा सकती, ना ही कोई न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स वहाँ पे शुरू कर सकती है। एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वगैरह वहाँ पे भी करना अलाउड नहीं है, राइट। तो अंटार्कटिक ट्रीटी के अंदर ये दो चीजें लिखी है, और अंटार्कटिक ट्रीटी में ये भी लिखा है कि जो अंटार्कटिका वाला एरिया है वो क्या है? वो नो मैन जोन है। वहां पे कोई भी पर्सन जो है उसको अपना नहीं मान सकता, कोई भी कंट्री अंटार्कटिका को अपने कब्जे में नहीं ले सकती। तो इंडिया के वहां पे दो रिसर्च स्टेशन है, राइट। रिसर्च वर्क वहां पे कर सकते हैं, लेकिन वो किसी की भी लैंड नहीं है, राइट। तो इंडिया के दो रिसर्च स्टेशंस है, कौन कौन से? एक है मैत्री और दूसरा है भारती। मैत्री जो रिसर्च स्टेशन था ये 1989 में बना था, और जो भारती है ये 2012 में बना था, 2012 के अंदर। अब मैत्री 2 भी आने वाला है जल्द ही, एक्सपेक्टेड है कि 2029 तक मैत्री 2 जो है वो भी हम वहाँ पे अपना रिसर्च स्टेशन जो है सेटअप कर देंगे। इसके अलावा एक दक्षिण गंगोत्री रिसर्च स्टेशन था जो कि डीकमीशन कर दिया गया है, गॉट इट। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड ग्लोबल सिटीज इंडेक्स रिपोर्ट 2024, ऑक्सफोर्ड ग्लोबल सिटीज इंडेक्स रिपोर्ट 2024, अब ये जो रिपोर्ट आई है इसके अकॉर्डिंग दिल्ली का रैंक कौन सा है? तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, राइट, ये जो रिपोर्ट आई है इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1000 सिटीज़ है जिनकी रैंकिंग दी गई है ऑक्सफोर्ड ग्लोबल सिटीज़ के अंदर। 1000 सिटीज़ है जिसकी रिपोर्ट ये तैयार करी गई है, जिसमें दिल्ली का रैंक आया है 350, राइट। दिल्ली का रैंक 350 आया है, राइट। कौन कौन से पैरामीटर्स के बेसिस पे ये जो रिपोर्ट है वो तैयार करी जाती है? तो ये तैयार करी जाती है टोटल 5 पैरामीटर्स के बेसिस पे। कौन कौन से हैं? एक है इकोनॉमिक्स, दूसरा है ह्यूमन कैपिटल, थर्ड है क्वालिटी ऑफ लाइफ, फोर्थ इन्वायरमेंट, एंड फिफ्थ है गवर्नेंस। टोटल 5 पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे ये रिपोर्ट तैयार करी जाती है। दिल्ली का रैंक कितना आया है? दिल्ली का रैंक है 350, बेंगलुरु का है 411, मुंबई का 427, चेन्नई का 472, कोची का 521, राइट। इंडिया की 5 सिटीज़ के जो रैंक्स हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो टॉप पे सिटी रही है वो कौन सी है? वो है न्यूयॉर्क,
न्यूयॉर्क सिटी का रैंक कितना है? फर्स्ट रैंक है। सेकंड लंदन, थर्ड सैन जोस, फोर्थ टोक्यो एंड फिफ्थ है पेरिस। राइट, नेक्स्ट है हु विंस एमिलिया रोमांगा ग्रैंड प्री 2024। एमिलिया रोमांगा ग्रैंड प्री फॉर्मूला वन रेसिंग जो होती है उसके अंदर जो एमिलिया रोमांगा ग्रैंड प्री हुआ है, तो ये वाली जो रेस है किसने जीती है? ये जीती है मैक्स वर्स्टैपन ने। राइट, नेक्स्ट है वेयर विल बी द 2026-2029 एशिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वुमेन्स एशिया कप्स हेल्ड रिस्पेक्टिवली। 2026 का जो एशिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन AFC वुमेन्स एशिया कप एंड 2029 का AFC वुमेन एशिया कप कहाँ पे होने वाला है? तो 2026 वाला जो वुमेन का एशिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन कप है वो कहाँ पे होगा? वो होगा 2026 वाला ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। राइट, और 2029 वाला कहाँ पे होगा? 2029 वाला होगा उज्बेकिस्तान के अंदर। राइट, so B will be the right answer. Next, who has been elected as the chairman of NFID? NFID के chairman कौन elect किए गए हैं? Unopposed, कोई भी opposition में इनके नहीं था, unopposed ये NFID के chairman बने हैं। तो नाम क्या है? नाम है जेठाबाई भारवाट। नाम है जेठाबाई भारवाट। NFID के chairman कौन बने हैं? जेठाबाई भारवाट। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो इनॉग्रेट्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने रिसेंटली इनॉग्रेट करी है वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी। वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है ये। कहाँ पे ये इनॉग्रेट करी है वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी? चिले के अंदर, चिले में अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। कौन सी है ये? अटाकामा ऑब्जर्वेटरी है, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है। राइट, तो इसकी हाइट कितनी है? 5640 मीटर अबव सी लेवल। अटाकामा ऑब्जर्वेटरी जो है चिले के अंदर वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है और इसकी हाइट है 5640 मीटर्स अबव सी लेवल। गॉट इट। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी की। ये जो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी है ना, इसका नाम आया है गिनीज बुक के अंदर, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। राइट, अटाकामा ऑब्जर्वेटरी की हाइट कितनी है? तो इसको कौन मैनेज कर रहा है, कहाँ पे है, ये कुछ क्वेश्चंस है जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इंडिया की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी कौन सी है? नाम है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। लद्दाख के अंदर है, हैनले में। कहाँ पे है? हैनले लद्दाख में है। 4500 मीटर ये अबव सी लेवल है, जो इंडिया की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है। राइट, इसको मैनेज कौन कर रहा है? इंडिया की जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है इसको मैनेज कर रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु। राइट, नेक्स्ट हु बिकेम द 99th मेंबर ऑफ आईएसए। आईएसए क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99th मेंबर कौन सा बना है? तो 99th मेंबर बना है स्पेन। 98th मेंबर था पनामा, 97th मेंबर था यमन और 96th मेंबर था चिले। राइट, तो आईएसए का 99th मेंबर कौन सा कंट्री बना है? स्पेन बना है। स्पेन ने आईएसए की जो है, आईएसए है इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसको रेटिफाई कर दिया है। राइट, एक होता है रेटिफाइड मेंबर, एक होता है सिग्नेटरी मेंबर्स। राइट, एक होते हैं सिग्नेटरी मेंबर्स, उसके बाद आते हैं रेटिफाइड मेंबर्स। तो रेटिफाइड मेंबर्स टोटल कितने हैं? 99। सिग्नेटरी मेंबर्स कितने हैं? 119। राइट, सिग्नेटरी मेंबर्स है 119 और रेटिफाइड मेंबर्स है 99 कंट्रीज है जिन्होंने आईएसए को रेटिफाई कर दिया है। सिग्नेटरी होता है कि अभी इन्होंने सिग्नेचर तो कर दिए हैं, लेकिन ये अपनी कंट्री में वापस गए हैं, वहाँ पे कंट्री के साथ जो भी इनका होगा डिसीजन होगा उसके बाद ये वापस आकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को रेटिफाई करते हैं। तो 119 सिग्नेटरी मेंबर्स है और रेटिफाइड मेंबर्स है 99 इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये इंडिया एंड फ्रांस की है। राइट, इंडिया एंड फ्रांस की है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस। COP21 के अंदर ये बनाई गई थी, जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 21st मीटिंग हुई थी, तो उस टाइम पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने का जो इनका फैसला था इंडिया एंड फ्रांस का 2015 के अंदर। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।